पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिलबुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिलबुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। कोरोना से जंग के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जरूरी ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन के बाद रोल आउट हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि DCGI ने 3 जनवरी को कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी दी थी। जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। रविवार 3 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने AstraZeneca और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी, जिसके बाद तेजी से वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। सरकार की योजना पहले फेज में देश के 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की है। सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश में टीकाकरण को लेकर जरूरी इंतजाम के बारे में भी जानकारी दी गई कि मेरे जिले में इन 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 स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई इन इन तारीखों को होगी। एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, एज द केस में भी। तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा, और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इन्फॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ ID भी जनरेट की जा सकती है। आप लोगों को जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंटरवेंशन प्रारंभ की है, जो कि पायलट के रूप में 6 यूनियन टेरिटरीज में प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। इवेंचुअली इसको पूरे देश में यूनिवर्सलाइज करने की योजना है। तो वो पूरा सिस्टम जो है वो एक यूनिक हेल्थ ID के आधार पर काम करता है। तो कोविन सिस्टम आपको ये परमिशन देगा, ये प्रावधान उसमें किया गया है कि आप यूनिक हेल्थ ID भी क्रिएट कर सकें। और जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी तो एक QR कोड आधारित सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है। उसको आप चाहें तो अपने मोबाइल पर रखें, चाहें तो जो हमारा क्लाउड बेस्ड डिजी लॉकर है उसमें रखें। न्यूज़ तक ब्यूरो।